गाइज, लाइटिंग एक ऐसी चीज है जिसकी मदद से आप अपनी वीडियो प्रोडक्शन को नेक्स्ट लेवल लेके जा सकते हैं। अगर आप अपनी वीडियोस में लाइटिंग नहीं करते या फिर आपके पास लाइटिंग नहीं है, तो हो सकता है आप वो लेवल की आउटपुट ना निकाल पाए जिस लेवल की आउटपुट आपका कैमरा निकाल सकता है। एंड आज की वीडियो लाइटिंग से ही रिलेटेड है। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ डिजिटेक ब्रांड की तरफ से 250 वॉट की लाइटिंग, जिसको आप इनडोर प्लस आउटडोर दोनों ही सिचुएशन में यूज कर सकते हैं। तो गाइज, इस लाइट को जब आप बाय करेंगे, आपको मिलेगी इस लाइट के साथ में 4 से 5 चीजें, 1 2 3 4 टोटल जो है 4 चीजें हैं, जिसमें सबसे पहले है रिमोट, ताकि आप वायरलेसली इस लाइट को कंट्रोल कर सके, सारे लाइटिंग इफेक्ट्स या फिर कलर टेम्परेचर को आप एडजस्ट कर सके। आपको बार बार लाइटिंग को यूज करने की नीड नहीं पड़ेगी, बाय चांस आपने इसको कहीं पे सेटअप कर रखा है वहीं पे लगी रहे, आपने दूर से ही इससे यूज करना है। दूसरा है यूजर मैनुअल, ताकि आप इस लाइट को अंडरस्टैंड कर सके कि इसकी पावर कितनी है, कलर टेम्परेचर कैसे है, बटन कंट्रोल्स वगैरह किस तरह से काम करते हैं। फिर है मेन पावर कोड, जिससे आप इस लाइट को पावर दे सकती हैं। एंड फिर है मेन लाइट की यूनिट, प्लस इसके साथ में रिफ्लेक्टर जो है वो भी हमें देखने को मिलता है, जिससे हम लाइट को और भी पावरफुल करके यूज़ कर सकते हैं या फिर नैरो कर सकते हैं। तो रिफ्लेक्टर भी मिलता है और साथ में लाइट भी मिलती है। तो मैंने अलग से अटैच किया, वैसे ही डिटैच होके आया था इसके साथ में बॉक्स में, इस तरह से ये डिटैच होके आता है, वापस से हम इसको अटैच कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें आपको इन दी बॉक्स मिलने वाली है। ऑल राइट, अब बात करते हैं इस लाइट को यूज कैसे करना है, और मैं कोशिश करूंगा एक बिगिनर के पर्सपेक्टिव से आपको समझाने की, ठीक है। तो इस लाइट में सबसे पहले हमें पावर कोर्ड को अटैच करना है, ताकि हम इसको पावर दे सके। उसके बाद हमने पीछे की तरफ हमें पावर स्विच मिलता है, इसको हमने पावर ऑन करना है, और जैसे ही पावर ऑन करेंगे हमें यहाँ पे डिस्प्ले दिखाई देगी जो कि ऑन हो जाएगी, वहाँ पे आपको इंटेंसिटी भी दिखाई देगी। इस लाइट की सबसे अच्छी बात यह है कि आप इंटेंसिटी 0 से 100 तक ले जा सकते हैं। लेट्स से आपको 2% इंटेंसिटी करनी है, 5 करनी है, आप यहाँ से वो भी कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी लाइटें होती हैं जहाँ पे हम 10 से नीचे इंटेंसिटी नहीं कर पाते, लेकिन इस लाइट में ऐसा नहीं है। हम इसको 1 2 3 4 5 6 जितनी भी आप इंटेंसिटी चाहें उतना कर सकते हैं। पीछे आपको एक नॉब दे रखी है, जहाँ से आप लेफ्ट और राइट रोटेट करके इसकी इंटेंसिटी को कंट्रोल कर पाएंगे कि पावर आपको कितनी कम या फिर कितनी ज़्यादा चाहिए। इसके बाद बात करें कलर टेम्परेचर की, तो जैसे ही इस नॉब को आप अंदर की तरफ प्रेस करेंगे, तो आप जो है कलर टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं। तो जो मिनिमम कलर टेम्परेचर है, यानी कि जो येलो टोन अगर आप प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो आपको मिलने वाला है 2700 का कलर टेम्परेचर यहाँ पे। और अगर आप वार्म टोन की जगह कूल टोन चाहते हैं, तो आप मैक्सिमम जो है 6500 पर जो है कलर टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने नोब को लेफ्ट या फिर राइट रोटेट करना है, जिससे आप कलर टेम्परेचर को चेंज कर पाएंगे। थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे अफेक्ट भी दिख रहा होगा, जैसे जैसे मैंने जो है कलर टेम्परेचर को चेंज किया है। इसके अलावा इस लाइट में हमें 4 तरह के स्पेशल अफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, जिसको एक्सेस करने के लिए आप जो है इस नॉब को जैसे ही प्रेस एंड होल्ड करेंगे, तो इस तरह से अफेक्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। ये है इसका पहला अफेक्ट, जो कि F1 के नाम से है। फिर है अफेक्ट नंबर 2, जिसको आप एक बार दोबारा अंदर प्रेस करेंगे तो अफेक्ट नंबर 2 आ जाएगा। फिर है अफेक्ट नंबर 3, जो कि इस तरह से है, और फिर है अफेक्ट नंबर 4। तो आपको मिलते हैं 4 तरह के इसके अंदर अफेक्ट, 1 2 3 एंड 4। और अगर आप वापस से CCT मोड में जाना चाहते हैं, यानी कि कलर टेम्परेचर वाले मोड में जाना चाहते हैं, तो आपने सिंपली प्रेस एंड होल्ड करना है, फिर आप इस तरह से वापस से कलर टेम्परेचर वाले मोड में जाके जैसे हम नॉर्मली लाइट को यूज़ करते हैं वैसे कर सकते हैं। बाकी बात करें बिल्ड क्वालिटी की, तो काफ़ी हैवी क्वालिटी की लाइट है। यहाँ पे जो मटेरियल है वो मेटल का यूज़ कर रखा है, मतलब यहाँ पे आपको प्लास्टिक बॉडी नहीं मिलती, और जो रिफ्लेक्टर है वो भी काफ़ी हैवी क्वालिटी का है। ओवरऑल बात करें तो काफ़ी हैवी बिल्ड क्वालिटी है, और ये जो यहाँ पे नीचे माउंट का ऑप्शन है, ये भी काफ़ी रोबस्ट है, क्योंकि लाइट क्वाइट हैवी है, 250 वॉट के, तो हैवी तो होगी। और इसके अंदर हमें इन बिल्ट फैन भी देखने को मिलता है, ताकि ये लाइट जो है गर्म अगर टेम्परेचर है तो वहाँ पे अपने आप को ठंडा रख पाए, और लॉन्गर रन तक स्मूथ जो है काम कर सके, या फिर स्मूथली हैसल फ्री काम कर सके। इसके अलावा नीचे जो यहाँ पे माउंट दे रखा है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो है बहुत ही हैवी क्वालिटी का लगाया गया, ताकि आप इसको अगर अलग अलग डायरेक्शन में माउंट भी करते हैं, तो यहाँ पे आपको जो है अच्छी सेफ्टी और अच्छी स्ट्रांगनेस दिखे। चलिए अब बात कर लेते हैं स्पेसिफिकेशन की। तो इस लाइट की जो लक्स पावर है वो है 25,000, यानी कि काफ़ी आपको ब्राइट लाइट देखने को मिलती है। इसके अलावा इस लाइट में हमें बोवेंस माउंट मिलता है, जिसकी मदद से आप सभी बोवेंस माउंट वाली एक्सेसरीज, जैसे कि सॉफ्ट बॉक्स या फिर कोई और आप जो है लैंटर्न बॉक्स लगाते हैं, वो भी आप इसके साथ में अटैच कर सकते हैं। अदरवाइज आप
रिफ्लेक्टर के साथ अटैच करके बाउंस भी करवा सकते हैं, ऑल अप टू यू। एंड गाइस हमें इसके अंदर 250 वॉट, एज आई सेड अर्लियर 250 वॉट की जो है पावर देखने को मिलती है। लेकिन ये बात हो गई ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन की, अब इसको प्रैक्टिकली टेस्ट करते हैं और देखते हैं ओवरऑल ये जो लाइट है हमें किस तरह की पावर प्रोड्यूस करके देती है। तो इस लाइट के साथ में मैंने यूज किया है डिजिटेक का ब्यूटी डिश वाला सॉफ्ट बॉक्स, जो बहुत ही सॉफ्टली लाइट को डिफ्यूज करता है। और यहाँ पे जो लाइट की इंटेंसिटी है वो है 25%, और फिर मैंने शिफ्ट किया 50% इंटेंसिटी के ऊपर, जहाँ पे हमें काफ़ी जो है ब्राइट लाइट फेस पर देखने को मिलती है। अब आप किस डिस्टेंस पे लाइट के सामने खड़े हैं वो बहुत मैटर करता है, लेकिन आपको जो है काफ़ी ब्राइट लाइट मिलने वाली है। एंड उसके बाद मैंने इंटेंसिटी करी 100% पर, जहाँ पे हमारे फेस पर जो एक्सपोजर है वो ओवर एक्सपोज हो जाता है, यानी कि आपको इंडोर में काफ़ी ब्राइट लाइट मिलने वाली है। इसके अलावा बात करें वार्म टोन की, तो आपको इस तरह की वार्म टोन इस लाइट से मिलने वाली है अगर आप वार्म कलर टेम्परेचर इस लाइट से लेना चाहते हैं। एंड फिर मैंने टेस्ट किए स्पेशल इफेक्ट्स मोड, जो हमें चार देखने को मिलते हैं। तो आप इन सभी चारों मोड्स में इंटेंसिटी को अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हैं कि आपको कितनी ब्राइट लाइट चाहिए, और आप इस तरह से स्पेशल लाइटिंग का यूज़ करके क्रिएटिव वीडियोस, जैसे कि क्रिएटिव सिनेमाटोग्राफी या फिर क्रिएटिव प्री वेडिंग शूट्स, वेडिंग शूट्स में इस लाइट को यूज़ कर सकते हैं इनडोर और आउटडोर सिचुएशन में। अब इसके बाद हमने इस लाइट को टेस्ट किया आउटडोर लोकेशन में, जहाँ पे मैंने सबसे पहले कलर टेम्परेचर को रखा कूल, और एज यू कैन सी मेरे फेस पर आपको लाइट का इम्पैक्ट दिख रहा होगा। फिर मैंने लाइट को ऑफ किया ताकि आप ये समझ पाएं कि अगर ये लाइट नहीं होती तो मेरे फेस पर कैसी डिटेल या फिर टेक्सचर आता। एंड फिर मैंने इसका टेस्ट किया वार्म टेम्परेचर आउटडोर लोकेशन पर, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर मैंने साइड से पीछे की तरफ से लाइट दिया तो किस तरह से हमें इम्पैक्ट देखने को मिलता है। अब एक चीज इस लाइट की मेरे को बहुत ज्यादा बढ़िया लगी, इस लाइट के साथ में जैसे कि मैंने आपको दिखाया था हमें जो है रिमोट मिलता है, और इस रिमोट से मैं ऑन भी कर सकता हूँ लाइट को, ऑफ भी कर सकता हूँ, या फिर मेरे को इफेक्ट्स को चेंज करना है तो मैं इस तरह से लाइटिंग इफेक्ट्स को चेंज कर सकता हूँ, अलग अलग इफेक्ट्स में जो है एक्सेस कर सकता हूँ बिना लाइट को छुए, यानी कि इस लाइट को एक्सेस किए, ठीक है। इसके अलावा अगर मेरे को इंटेंसिटी चेंज करनी है तो मैं 25%, 50% या फिर 100% इस तरह से अलग अलग इंटेंसिटी को यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो बेसिकली रिमोट का बहुत ही प्रैक्टिकल काम है, जब आप इसको कहीं पे सेटअप कर लेंगे तो आप इस रिमोट से पूरी लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। जितने भी मैंने इस नॉब से कंट्रोल्स किए थे वो सभी हमें इसी रिमोट में भी देखने को मिलते हैं। ओके, अब बात करते हैं प्राइस की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जानना। तो इस लाइट का प्राइस है 849, यानी कि आपको 8,500 की लाइट देखने को मिलती है। एंड गाइज इस लाइट को अगर आप यूज़ करते हैं इनडोर और आउटडोर, आप वर्सेटाइल तरीके से काम कर पाएंगे। यूजली 8 से 8,500 में हमें जो है 60 वोट या फिर 100 वोट की लाइट्स देखने को मिलते हैं, जो अदर ब्रांड्स की मैं देखती हूँ, लेकिन ये काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में आती है। तो अगर आप कोई भी वीडियो प्रोडक्शन करते हैं, आपका यूट्यूब सेटअप है, आप कोई भी रील शूट करते हैं या फिर कोई भी कंटेंट क्रिएशन करते हैं, या फिर किसी भी पर्पज़ के लिए आपको लाइटिंग की नीड पड़ती है, स्पेशली इनडोर एंड आउटडोर जो चल जाए, तो आप जो है इस लाइट को डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत अच्छे से पता लगा होगा इस लाइट के बारे में, कि आप इस लाइट से किस तरह की इंटेंसिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं या फिर क्वालिटी कैसी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी गाइस इसी तरह की वीडियोस देखना आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। स्टे ट्यून्ड अंटिल नेक्स्ट वीडियो।